यस वेरी गुड, -8। दोनों तरफ स्क्वायर करो और इसको कंपेयर कर दो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ac। हो गया ना, यू स्क्वायर की जगह 180 है और ए की जगह -8 है। चलो ये आसान था। हाँ बोलो ना, तुमको यहां पे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तुम अगर डिफरेंशिएट करोगे ना तो नहीं, होगा क्यों नहीं, होगा एकदम होगा। तुम डीवी बाई डी टी कर दो, क्या आएगा, ए आएगा, फिर उधर वाले को जो डिफरेंशिएट करोगे ना उसमें बहुत समय लगेगा। उसको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तुमको क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 √x है, फिर उसके अंदर जो है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें वेलोसिटी का टर्म आ जाएगा, फिर जो वेलोसिटी उसको उसमें पुट करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि v इक्वल टू क्या दिया हुआ है, v इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √180 − 16x दिया हुआ है ना, तुम दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 180 − 16x। अब इसको तुम ऐसे लिखो, वी स्क्वायर बराबर ये किसका स्क्वायर है, √180 का स्क्वायर है, तो ये हो गया यू स्क्वायर प्लस 2ax। तो क्या आ गया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax। तो ए पूछा था, ए की जगह पे क्या है, तो ऐसे बना लेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो ज्यादा टाइम नहीं देना है, टाइम दिया मतलब कि बाकी जो अच्छा क्वेश्चन है उसका टाइम तुम इसमें बर्बाद कर, समझ गया ना। चलिए।